पल्लवी क्या हो गया तुम्हें? कब से इशारे कर रहा था? प्रकाश एक बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की है। बताओ क्या बात है? हमने आपसे कहा था कि ये प्रॉपर्टी में हमारी जिंदगी भर की सारी कमाई चली जाएगी। जरा ये बोर्ड देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। ये कैसे हो सकता है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ये गवर्नमेंट का बोर्ड कहां से? जवाब जो आप आ गए, यहाँ पर कुछ और ही मसला चल रहा है। My God, पापा रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, वो भी इस कमीने पप्पे के साथ। ये वो तो एक नंबर का फ्रॉड है यार, पापा को फंसा देगा। Exactly, आकाश। और मैंने उस दिन पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अब बस मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं पप्पे ने तो पापा को कुछ। अरे जयदेव बाबू क्या हो गया? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? पर क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, एक इंक्वायरी है। इन्होंने फ्रॉड किया है ऐसा आरोप है, इसीलिए उनको थाने लेके जा रहे हैं। जयदेव जी, फ्रॉड? नहीं 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 सर, जरूर कुछ गलतफहमी है। हट जाइए सब, चलिए। इसको चूना लगाया होगा इन्होंने। लो, हम तो रंग लगाने आए थे, चूना ही लगा दिया। अंकल जी, अंकल जी। सर आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? सर मुझे लगता है आपको किसी ने ऐसे कुछ बोल दिया है। सर सुनिए ना, कुछ गलत फहमी नहीं हुई है, इनकी कंप्लेंट आई है, इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। और हाँ, अगर पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश की ना तो सबको अंदर कर दूंगा। डालो अंदर इन्हें, गाड़ी में डालो। फ्रॉड कुछ भी बोलते हैं। शिट, पलो पलो भी आनी है। नहीं पल्लवी, तुम एक काम करो, मैं जाके पापा से मिलकर आता हूँ। ओके, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। नहीं आकाश, मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि पापा किसी प्रॉब्लम में, उन्हें मेरी जरूरत है। आकाश पल्लवी ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना, देख लूंगा जाके पापा को। आकाश मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, आई नो हिम, वो प्रॉब्लम में है अभी, उन्हें जरूरत है मेरी, प्लीज। मोंटी का कॉल, कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ हाँ मोंटी। हेलो पल्लो, अंकल जी को पुलिस ले गई है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे उनके पास भी नहीं जाने दे रहे थे। तू सुन रही है ना पल्लो? हाँ मोंटी मैं सुन रही हूँ। क्यों लेके गई है पुलिस, कुछ बताएगा? कुछ फ्रॉड कर रहे थे और आसपास के लोग भी बहुत गॉसिप कर रहे थे, लेकिन अंकल एकदम शांत लग रहे थे। मुझे तो लगता है किसी ने उन्हें फंसा दिया है। ठीक है मैं आ रही हूँ। सब पप्पी का किधर है? मैंने कहा था, मैं कह रही थी ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आकाश प्लीज मुझे जाने दो। सर मैंने इतनी देर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जो कुछ भी आरोप है ना, ये गलत है। मेरा खुद का केस चल रहा है सर, ये चिटफंड वालों ने मुझे धोखा दिया है। मैं भला किसको किसको धोखा दूंगा और क्यों? ये मुझे ना फंसाया गया है सर। फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? हम? और ये पैसे हमारे गए हैं और हम ही फंसाएंगे? सर इन्हें छोड़िएगा मत, इन्होंने हमारी मेहनत के पैसे खाए हैं, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ जी, पैसे किसके पास हैं इनके? सर पप्पी मेहरा के पास। मैं पप्पी मेहरा के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि ये जमीन बेचो और मुझे कमीशन देगा, जैसे हर जगह होता है। मुझे भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, मुझे कमीशन अब तक नहीं मिला है सर। सरकारी जमीन थी चाचा, अपना बताकर भेज दिए? सर मैंने तो खुद उस दिन सरकारी वाला बोर्ड पहली बार देखा, इन्होंने मुझे दिखाया था। ये पप्पी मेहरा जो है ना, इन्होंने मुझे एक पावर ऑफ अटर्नी कहा था साइन करने के लिए, बोला था कि ये पेपर वर्क आसान हो जाएगा, तो मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दी थी और कहा था कि जमीन बेच दोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। सर मैं तो सिर्फ ब्रोकर हूँ सर, और कुछ नहीं। पैसे भी मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं, पैसे डायरेक्टली पप्पी मेहरा का अकाउंट में गए। पप्पी? अरे भाई है कौन ये पप्पी मेहरा, और आप दोनों मिले हो क्या उनसे पहले? नहीं सर, हम किसी भी पप्पी मेहरा को नहीं जानते, हम सिर्फ इनको जानते हैं। ये नई कहानी बना रहा है। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। अच्छा जमीन किसने दिखाई हमको? तुमने। चेक किसने लिया हमसे? तुमने। रजिस्ट्री किसने करवाई? तुमने। सब कुछ तुमने किया है। बिकॉज मैं ब्रोकर हूँ, मैं पप्पी मेहरा का ब्रोकर हूँ सर। सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं ये पूरा सॉर्ट आउट कर दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं।
मैंने अपना FIR दूसरे थाने में लिखवाया है। अगर आप चाहो तो मैं आपको ये FIR नंबर भी दे सकता हूँ। लेकिन प्लीज सर, मेरे यकीन मानिए, ये मैंने नहीं किया है। ठीक है, जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। कल शाम तक का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ध्यान रहे, शहर से बाहर नहीं जाना है, और फोन करे तो फोन उठाओगे। आज FIR नहीं लिख रहा हूँ, जाओ, लेकिन कल तक। उसके बाद FIR भी लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो कस्टडी में भी लूंगा, जाओ। ठीक है। पर सर, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप? देखिए, एक दिन का टाइम देना पड़ता है, और आप फिक्र मत कीजिए, ये कहीं नहीं जाएंगे, हम जाने ही नहीं देंगे, जाइए आप। जी सर, शुक्रिया। पल्लवी, मेरी बात सुनो। I totally understand, but अभी के लिए नहीं। और वैसे भी ये पुलिस का मामला है, मैं जाकर देखता हूँ, मैं जाता हूँ थाने में, पुलिस का मामला मैं हैंडल कर लूँगा। पल्लवी, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा पापा को। यहाँ पे मम्मी कोई ना कोई इशू बना देगी तो। I don't care about any issue right now, Akash, मेरा वहाँ पहुँचना जरूरी है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं, प्लीज Akash, प्लीज। मैं कर लूंगा हैंडल, ट्रस्ट मी। Akash, पल्लवी ठीक कह रही है, बेटा तू जा पल्लवी के साथ। तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे होगा। सर, अगर मेरे पापा की जगह आपके पापा होते और आप डॉक्टर नहीं होते, तो क्या आप वेट करते कि कोई भगवान का बंदा आएगा? आपकी शिफ्ट ही तो खत्म हुई है, कोई पहाड़ थोड़ी ना टूटा है। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ी देर की बात है, प्लीज देख लीजिए ना एक बार। सॉरी, मुझे घर जाने में लेट हो रहा है। सर प्लीज, आप समझने की कोशिश करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। डॉक्टर साहब प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरे पापा, उनकी हालत बहुत खराब है। अरे क्या मैम, आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना, क्या आपके पापा अकेले ही पेशेंट है दिल्ली में? प्लीज रुक जाइए, प्लीज। मैम ये क्या कर रही हैं आप? ये अलाउड नहीं है। मैम प्लीज, ये अलाउड नहीं है, प्लीज रख दीजिए। अगर आप लोग अपना काम नहीं करेंगे, हमें तो करना ही पड़ेगा ना। मैम सुनिए तो, मैम ये अलाउड नहीं है हमें। मैम, सर सुनिए, सर वो मैडम आपका कोट पहनकर इमरजेंसी वार्ड में चली गई है सर। व्हाट? ये सर चलिए ना सर, प्लीज। हाँ, कम ऑन, आइए प्लीज, आइए सर। ये आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर के कपड़े पहन लेने से क्या आप डॉक्टर बन गई हैं? क्या बेवकूफी है ये? नहीं बनी डॉक्टर, लेकिन आपको तो हेल्प करनी नहीं है, तो मैं ही करूंगी ना। क्या पता ये यूनिफॉर्म पहनने से कुछ अलग फील होता हो, तो बस मैं खुद ही कर रही हूँ सब कुछ। आकाश, ये लोग सब ऑफ ड्यूटी है, कोई भी यहाँ पे ऑन ड्यूटी नहीं है, तो हमें खुद ही मैनेज करना है। सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। ये आप कैसे करेंगी? पता नहीं कैसे करूंगी सर, लेकिन मेरे पापा बेहोश है, कोशिश तो करूंगी। आपको तो अपनी शिफ्ट से मतलब है ना, तो आप जाइए। ओह गॉड, ओके फाइन, लाइए मैं करता हूँ। और आप ये ना, आप ये सब उतारिए और मुझे इनका ट्रीटमेंट करने दीजिए, ठीक है? लाइए। और आप लोग प्लीज बाहर जाइए, ताकि मैं इनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकूं। सुरेश जी, दोनों फिर से चले गए, और आपने जाने दिया? वो गई तो गई, साथ में मेरे बेटे को भी ले गई। इसके मायके की प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होने वाली। मतलब क्या है तुम्हारा? उसके पापा को पुलिस लेकर जा रही और तुम कह रही हो वो कुछ ना करे? बेटी है उनकी, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? उसके यहाँ की प्रॉब्लम तो हमेशा लगी ही रहती है। अरे ऐसी नौबत ही क्यों आई कि बात पुलिस तक पहुँच गई? और बात अगर पुलिस तक गई थी तो खुद हैंडल करे ना, बेटी को तो चैन से रहने दे ससुराल में। सुरेश जी, जयदेव जी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि तीनों बेटियों की घर गृहस्थी है, और मैं पूछती हूँ हर बार पल्लवी ही क्यों जाए? बाकी की दो बहनें कहाँ हैं? दो दामाद कहाँ हैं?
पल्लवी सबसे छोटी है अपने घर में, लेकिन जाती हमेशा पल्लवी ही है। पल्लवी का हमेशा एक पैर अपने मायके में अटका रहता है, तो मेरे बेटे का ख्याल कैसे रखेगी, कैसे खुश रखेगी उसे? अरे यहाँ हुआ क्या है? दोनों चले गए तो कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे? कोई काम अटका हुआ है या ऐसा कुछ है जो हम लोग नहीं कर सकते? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी मैं समझूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस उस पल्लवी के ऊपर तेजाब उगलना है। आदत हो गई है तुम्हारी? आदत मेरी नहीं, जयदेव जी की हो गई अपनी बेटी के साथ रहने की। अरे इतना ही है तो एक नौकर रख लेना जो दिन भर उनको संभाले, उनकी देखरेख करे। कम से कम अपनी बेटी का पीछा तो छोड़ेंगे। तुम ऐसी कैसी हो गई हो? सुनाई दे रहा है तुम्हें क्या कह रही हो? बेमतलब की बहस किए जा रहे हो। अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि ऐसी आफत कोई हम पर नहीं आई है, और तुम बोले जा रही हो कि वो अपनी परेशानी से खुद समझे। जब आकाश बीमार था ना हॉस्पिटल में, बाप बेटी दोनों दिन रात हॉस्पिटल में रहते थे, शादी नहीं थी तब पल्लवी और आकाश की। सहज सहज रहना सीखो आप अपना सहज। अब आप कहाँ जा रहे हैं? जयदेव जी के पास, रिश्तेदारी है, समझी है। अगर प्रॉब्लम में है वो तो उनके साथ खड़ा तो रह सकता हूँ ना। क्या हुआ ताई जी? जो होता है, सास हमेशा गलत होती है। देखिए, हमने उनके कुछ टेस्ट करवाने के लिए दिए हैं। जब तक रिपोर्ट्स आ नहीं जाते तब तक उन्हें हमें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। वैसे उनके सिम्टम्स थोड़े एबनॉर्मल हैं, लेकिन जब तक उनके रिपोर्ट्स आ नहीं जाते मेरा ख्याल है हमें वेट कर लेना चाहिए। जी सर। काशी, किस चीज का टेस्ट करवा रहे? बताया भी नहीं, ठीक होंगे ना, होश भी नहीं आया। तुम प्लीज घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा ना टेस्ट की रिपोर्ट तो आने दो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.